हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब दुनिया कैंपस लाइव। और आज फिर हम हाजिर हैं कैंपस में बात करने के लिए एग्जाम टाइम के बारे में। एग्जाम टाइम हो और चीटिंग नहीं हो, जनरली ऐसा नहीं होता है। हालांकि चीटिंग करना गलत बात है, लेकिन फिर भी युवा क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे बात करेंगे कि क्या चीटिंग एक फन है या फिर गलत है। आइए बात करते हैं। चीटिंग फन भी है और गलत भी है। गलत इसलिए कि चीटिंग करना गलत है, और फन है, सब मजा करते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं। कभी कोई बेंच पे कुछ लिख लेता है, कभी एक दूसरे की कॉपी छीनते हैं। चीटिंग? नहीं, कभी नहीं। चीटिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हाँ, अगर आप यूथ से पूछोगे तो उनके लिए फन है, क्योंकि वो चीटिंग करके नंबर स्कोर कर लेते हैं, स्कोर कार्ड पे उनके नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, वो अलग बात है। बट अगर चीटिंग के हिसाब से देखा जाए तो चीटिंग वाकई में गलत चीज़ है, क्योंकि आप चीटिंग करके नंबर जरूर ज़्यादा ले आते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको जाती है कि जो यार मेहनत भी कर रहे हैं और उनके नंबर भी कम आ रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है यार इससे तो हम चीटिंग ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते। बट लाइफ में ऐसा होता है कि आप चीटिंग करके भी उतने अच्छे, भले नंबर अच्छे ले आओगे, लेकिन जो मैटर जिसने पढ़ के समझ के लिखा है उससे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीटिंग कॉलेज लाइफ तक अगर आप कर रहे हो तो थोड़ी बहुत चीटिंग करना इज गुड, बट ज़्यादा चीटिंग करना लाइफ में अच्छा नहीं है। मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है, चीटिंग कराना पसंद है। अगर कोई मुझसे पूछता है एग्जाम में तो मैं उसे बता देती हूँ। हाँ, देखा जाए तो चीटिंग करना गलत है, इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग का नेगेटिव पॉइंट यही है कि सामने वाले की जो चीटिंग कर रहा है उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, मगर चीटिंग करवाना एक आर्ट बोल सकते हैं इसको। तो स्कूल और तरीकों से चीटिंग करा सकते हैं ये बताइए। चीटिंग कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक चीट होती है इशारा करके चीट बनाना इज नॉट चीटिंग। वो फिर एक गलत होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर लिख कर लाए हो, नहीं, लेकिन क्लास में अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो वो भी टीचर को बुद्धू बना के, तो वो ज्यादा सही है। फन भी है और हाँ, और ठीक है, जो बिल्कुल नीचे जा रहा है उसको एटलीस्ट एवरेज तो ला सकते हैं। चीटिंग करना, चीटिंग सबकी बस की बात नहीं है, नकल भी अकल से होती है। सब डरते हैं चीटिंग करने से, आपके हाथ में चुटका और आप एग्जाम में बैठे हो, कहीं ना आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं घूमने गया था, तो मैंने अभी रिसेंटली डिस्क पे हल्का सा लिख के पॉइंट टॉपिक की स्टार्टिंग के टॉपिक, बाकी मैं अपने से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स भूल जा रहा था, तो वो मैंने किया है। सो फन भी है और सही है, मेरे लिए तो सही है, बहुत थोड़े मोटे छोटे पॉइंट्स सही हैं। थोड़ा चीटिंग वो अच्छी नहीं है जब हम चिट बना के लाते हैं, हाथ पैर पे लिख के लाते हैं, लेकिन हाँ, आजू बाजू वाले से थोड़ा सा अगर हिंट ले रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ का एक पॉइंट भूल रहे हैं बाकी सारी चीज़ें याद है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं भी करती हूँ अपने आगे वाली से। हाँ, कभी कभी कोई फेल होने से भी बच जाता है, और बस यही है कि चीटिंग करो, लेकिन ऐसे करो कि ज़्यादा मैम लोग को भी गुस्सा ना आए, और मुझे कोई नहीं डांटता वैसे करने में। और मैं तो क्लास में किसी से भी पूछ लेती हूँ, इनफैक्ट मैं तो कई बार कन्फर्म भी करती हूँ, एक से पूछ के दूसरे से भी कंफर्म कर लेती हूँ, तो ये बुरी बात नहीं है।